चलिए शुरुआत करते हैं इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संघ की आज एक अहम बैठक होने वाली जिसमें एक साल की रणनीति बनाई जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत इंदौर में पहले से ही हैं। बता दें कि कल से संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन चालू हुआ है और आज एक अहम बैठक होने वाली जिसमें नागरिकता संशोधन कानून पर भी चर्चा हो सकती है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ आरएसएस की आज एक अहम बैठक होने वाली है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक का संचालन करेंगे और 2020 की रणनीति बनाई जाएगी। इस साल में क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित होंगे, किस तरह से आरएसएस काम करेगी, इसकी रणनीति आज होने वाली बैठक में बनाई जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही कई पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। नागरिकता संशोधन कानून और राम मंदिर जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक साल की रणनीति बनाने के लिए आज संघ की एक अहम बैठक होने वाली है। इंदौर के ओमनी होटल में संघ का अधिवेशन चल रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होने के लिए कल ही इंदौर पहुंच गए थे और आज एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साल 2020 के लिए रणनीति बनाई जाएगी जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में एनआरसी, नागरिकता संशोधन कानून और राम मंदिर जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।